ठीक है। तो कोई भी समीकरण में जैसे ये a प्लस बी प्लस सी जीरो होते हैं, हम डायरेक्ट रूट सीख सकते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, दूसरे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखें, वो कह रहा है कि समीकरण यदि यदि ए बी सी ए पी में है तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल हैं। ऑप्शन है माइनस वन माइनस सी अपॉन ए, सेकेंड ऑप्शन वन सी अपॉन ए, थर्ड ऑप्शन सी वन अपॉन ए, फोर्थ ऑप्शन माइनस टू सी माइनस वन अपॉन ए वगैरह। यदि ए बी सी ए पी में है तो इस समीकरण के मूल होंगे। दूसरा एग्जाम्पल और देखो आप इसी से रिलेटेड, वो कह रहा है कि समीकरण जैसे यदि समीकरण ए बी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए एक्स प्लस सी ए माइनस ए बी इक्वल टू जीरो के मूल के दोनों मूल बराबर हो तो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सी बी ए पी में होंगे, दूसरा ए सी बी जी पी में होंगे और तीसरा ए सी बी एच पी में होंगे और फोर्थ नौ पे दीज। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये। अब एक चीज ध्यान दो, थोड़ी सी एपी जीपी यहां पर यूज हो रही है। वैसे हम क्वाड सीरीज का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां ये सब चीजें, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। कोई भी तीन संख्याएं ए बी सी ए पी, ए पी की क्या कंडीशन होती है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। भाई कोई भी तीन नंबर ए बी सी अगर ए पी में है तो बीच वाले का टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी। जी पी की क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और एच पी की क्या कंडीशन होती है, बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस। ठीक, तो ये कंडीशन आपको मोस्टली याद रखनी है। वैसे ए पी जी पी एच पी का टॉपिक रहेगा, वहाँ हम ये चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, लेकिन कोई भी तीन नंबर ये आपको दिए जाए या चेक करना होता है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। अब यहाँ देखो आप, वो कह रहे हैं कि ए बी सी किस में है, ए पी में। पहले यहाँ कंडीशन को आप, तो आपको यूज करना है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये कंडीशन आपको दी हुई है। वो कह रहा है कि इस समीकरण के रूट्स बताओ आप। समीकरण देखो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब कई बच्चे क्या रूट्स क्या आते हैं, अब देखो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अभी हमने बताया था कि किसी भी समीकरण में देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक इनको जोड़ो आप, ए माइनस टू बी प्लस सी, इसको ऐड करो। अब यहाँ a प्लस सी की जगह क्या यूज करोगे आप, 2b, तो 2b माइनस 2b बताओ कितना आ रहा है, जीरो। तो मैंने ये कहा कि किसी भी द्विघात समीकरण में तीनों गुणांकों का योग x स्क्वायर गुणांक, x का गुणांक और अचर पद का योग जीरो आ जाता है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे उस समीकरण के जो मूल हैं, एक तो क्या होगा बताओ वन, दूसरा यहाँ पर c अपॉन a, यहाँ c और a आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास में, सेकंड ऑप्शन। तो कई बार आपको कि ए बी सी ए पी में है, जी पी में है, इस तरह से कंडीशन लगा देगा, तो ये तीन कंडीशन आपको थोड़ी सी याद रखनी है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा उल्टा पूछ लिया।
बताओ क्या कैसे हल करेंगे इसको। इसमें ये कह रहा है कि यदि इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हों, तो अब ये कह रहा है कि ए सी बी एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में। इसमें उल्टा पूछ लिया, इसका मतलब हमें ए सी बी में रिलेशन याद करना है। इस तरह का कोई भी रिलेशन आ जाएगा तो हम एपी जीपी एचपी बता देंगे यहाँ पर। अब यहाँ इस समीकरण से देखो आप, इसमें भी क्या हो रहा है कि दोनों मूल बराबर हैं। अब कई बच्चे वही दोनों मूल बराबर होने का मतलब डी बराबर जीरो यूज करते हैं, लेकिन जब इस तरह से ए बी बी सी है, एक चीज देखो आप, इनके गुणांकों को जोड़ो आप, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ, जीरो आ रहा है। इसमें भाई एक्स स्क्वायर है गुणांक, एक्स का गुणांक और इसका गुणांक। जैसे ही किसी भी द्विघात समीकरण के गुणांकों का योग जीरो आ जाता है तो हम जानते हैं उसके दो मूल होंगे, एक तो वन होगा, दूसरा सी अपॉन ए, सी ए माइनस ए बी अपॉन ए का मतलब है ए बी माइनस बी सी। ये तो मूल हो गया अगर आपसे मूल पूछता, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, मूल क्या है बताओ, बराबर, तो आप बराबर का साइन लगा दो। अब हम रिलेशन की आ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ए बी माइनस बी सी बराबर सी ए माइनस ए बी, ये इधर आ जाएगा कितना हो गया बताओ, टू ए बी इजिकल टू, ये इधर चला जाएगा सी ए प्लस बी, तो सी इजिकल टू कितना आ जाएगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये रिलेशन हो गया, सी इजिकल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये कौन सा रिलेशन है, नीचे वाला। अब यहाँ सी आ रहा है बीच में, तो ये बीच में आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ए सी बी किस में हो जाएंगे, एच पी, किस में हो जाएंगे, एच पी। ठीक, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आपसे मूल पूछ सकते हैं तो गुणांकों का योग जीरो आता है, वन और सी अपॉन ए आप मूल कर सकते हो। दूसरा, इस तरह से मूल बराबर है तो ए सी बी में आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी है, एक या दो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ चीज देखो आप इसमें, फोर्थ भाई हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चल रहे थे, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे हम। अभी हमने पढ़ा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक मूल वन और दूसरा सी अपॉन ए। यदि ए बराबर सी हो तो दोनों मूल एक दूसरे के क्या होंगे बताओ, युतक्रम होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण में a बराबर सी का x स्क्वायर गुणांक एच पद के बराबर आ जाएगा, तो उसके दोनों मूल एक दूसरे के युतक्रम होंगे। युतक्रम का मतलब हो गया भाई, समीकरण के मूल है अल्फा बीटा सी बटा ए। अब a और c बराबर होते इसका मान कितना हो जाएगा, एक, तो बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा वन अपॉन अल्फा। एक मूल पांच है तो दूसरा हम डायरेक्ट कर सकते हैं एक बटा पांच है, एक मूल एक बटा तीन है तो दूसरा मूल तीन हो जाएगा। तो समीकरण में सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा व बीटा है हो तो समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो के मूल होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल क्या दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा, तो वो कह रहा है कि इस समीकरण के मूल बताओ आप। तो यहाँ इसमें इसमें क्या कॉमन चल रहा है बताओ आप, ए और सी को इंटरचेंज कर रखा है, कर रखा नहीं कर रखा बताओ, एक्स स्क्वायर गुणांक अचर पद की जगह लेके आया और अचर पद है उसको यहाँ लेके आया, ये इधर आ गया ये इधर आ गया। जैसे ही मूल एक दूसरे के युतक्रम होंगे
ए बराबर सी होगा तो मूल हो जाएंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम। इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो इस समीकरण के जो मूल हैं वो 1/α 1/β होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि बी बराबर जीरो तो समीकरण के मूल परिमाण में बराबर व विपरीत चिन्ह के होंगे। किसी भी समीकरण में बी बराबर जीरो, बी बराबर एक्स का गुणांक जीरो आ जाएगा तो उस समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, परिमाण में बराबर और विपरीत चिन्ह के, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्यों होंगे? देखो आप, हम सब जानते हैं कि समीकरण में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाई, अब बी जीरो कर दीजिए, जीरो हो गया तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का अल्फा। इसका मतलब हो गया मूल बराबर तो आ रहे हैं लेकिन साइन क्या आएगा, अपोजिट। जैसे अल्फा का मान 5 है तो बीटा का मान -5, अल्फा का मान -1/2 है तो बीटा का मान प्लस का 1/2। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको कहा जाएगा कि समीकरण के मूल बराबर व विपरीत चिन्ह के हैं तो बी की वैल्यू या कोई भी अननोन वैल्यू है वो आपसे पूछी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो आप वो कह रहे हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग के बेस ई प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल परिमाण में बराबर तथा विपरीत चिन्ह के हैं तो के की वैल्यू बताओ। ऑप्शन लिखा हुआ है 1 0 ई वगैरह की, फाइंड द वैल्यू ऑफ के हुज रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। वो कह रहा है इस समीकरण के जो मूल है वो परिमाण में बराबर है और विपरीत चिन्ह के हैं तो k की वैल्यू बताओ। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो आपको क्या जीरो करना है, यहां बताओ बी इक्वल टू जीरो। बी इक्वल टू जीरो का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x जीरो कर दो हम, तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब आप इसको जीरो कर दो, माइनस लॉग के प्लस 1 ये पूरा एक साथ है इक्वल टू जीरो, माइनस जीरो में चला जाएगा log k बेस e इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1। आगे log में ये चीजें बढ़ाएंगे, log b2 बेस a इज इक्वल टू c तो b इज इक्वल टू होता है a रेस टू पावर c। log की वैल्यू किसी के भी बराबर है तो b की वैल्यू चाहिए तो ये बेस है ये पावर बेस में आ जाएगा, ये जो c है वो पावर में चली जाएगी। तो यहाँ k की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, e रेस टू पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/e। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल परिमाण में बराबर विपरीत चिन्ह के हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर एक्स के टर्म्स अलग अलग है तो दोनों के एजेंट करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जीरो कर सकते हैं। सिक्स्थ रिजल्ट, यदि सी बराबर जीरो तो समीकरण का एक मूल हमेशा शून्य होगा। यदि c बराबर जीरो, देखो आप c को ही जीरो कर दो, हम x कॉमन आएगा तो x का मतलब है मूल, तो x का मतलब एक वैल्यू हमेशा क्या आएगी, शून्य आएगी। कंडीशन ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि समीकरण का एक मूल शून्य होने के लिए क्या कंडीशन होगी, a बराबर जीरो ऑप्शन है, b बराबर तो c बराबर जीरो होगा तो समीकरण का एक मूल हमेशा शून्य होगा। और सेवन प्रॉपर्टी, यदि b बराबर जीरो c बराबर जीरो तो समीकरण के दोनों मूल हमेशा शून्य होंगे। यदि b बराबर जीरो c, b भी जीरो और c भी जीरो हो जाता है तो समीकरण के दोनों मूल है बोथ रूट्स आर ऑलवेज इज शून्य जीरो होंगे। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी है, प्रॉपर्टी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कुछ एग्जाम्पल हमने आपसे करवाएं, कुछ हम जैसे आगे कुछ लेक्चर में शीट सोल्व करेंगे वहां पर हम एग्जाम्पल रखेंगे। तो विद्यार्थी, जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो अपने नोट्स बनाएं, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, कोई भी आपको
डाउट लगे किसी क्वेश्चन में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते रहें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।